कुंडली भाग्य पावर बाय पैराशूट एलोवेरा। अब इस ओवर स्मार्टनेस की दुकान मनीषा को कहां ढूंढे यार? ये ऋतिक को मनीषा ने ना मेरा जीना दुश्वार कर दिया। कहां है? अरे ऋतिक को मैंने ऑलरेडी ठिकाने पर लगा दिया, तू उसकी टेंशन क्यों ले रही? वैसे भी उस कमरे में इतना ज्यादा नहीं है कोई, तो रिलैक्स। पता है मुझे, लेकिन अगर वहां पर कोई आ गया तो? अरे क्यों फ्री फंड में टेंशन दे रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि ऋतिक को मैंने ऑलरेडी ठिकाने पर लगा दिया, फिर तुम उस साइड ही ऋतिक को साइड पे रखो। फोकस ओनली ऑन मोनिशा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम का नाम है मोनिशा, अंडरस्टैंड? फिर से मुझे डांट रहे हो? नहीं, तुम्हारी आरती उतार रहा हूं। फिलहाल फोकस ऑन मोनिशा, हम बाद में लड़ लेंगे। तुम एक काम करो, अभी के अभी जाओ और ऋषभ, रीता जी और समीर ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं मोनिशा के अगेंस्ट, वो जाकर सुनो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सर्वेंट हूं? ऑर्डर मत दो, प्यार से बात करो। सैलिन जी, आप प्लीज जाइए और जाकर वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें अच्छे से सुनिए। बेटा तो लॉक है। कीज इसकी, कीज 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 कीज। नहीं नहीं छोड़ना करण को, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मनीषा गेट अप, गेट अप, गेट अप। क्या करण के अगेंस्ट क्या चल रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है? टेल मी, आंखें खोलो, ए लुक एट मी, क्या चल रहा है करण के अंदर? हां, किसने प्लानिंग की, किसके कहने पे ये सब कर, ये बोलो। मनीषा बेटा गेट अप, यह हाँ बोलो। लुक अप, लुक इनटू द कैमरा, यस नाउ परफेक्ट शॉट। हाँ सबूत चाहिए मुझे, प्रूफ, सेट सेट। मुंडी बंद हो गया अब क्या? मनीषा गेट अप, गेट अप, गेट अप। ए कुछ कह रही थी, मुझे ये बताओ किसके कहने पे ये सब कर रही है? बोलो से, से बोलो भैया से। हाँ तुमने गलत किया है। मैंने गलत किया? तुमने गलत किया? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, समझी? तुम अब बताओ कि सच क्या है, बोलो। कोर्ट में प्रूफ करने रोके गिराना है और तुम्हें गलत प्रूफ करना है सबके सामने। एक मिनट, ये सब मैं जानता हूँ, मुझे ये बताओ कि किसके कहने पे ये सब कर रही हो? बोलो, लुक एट मी, हाँ से नाउ, हाँ किसके कहने पे कर रही हो सर? बोलो मनीषा। क्या फायदा सच बोलवाने का, रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं, जिसे कोर्ट में दिखा के अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकता हूँ, ऐसे कौन मानेगा मेरी बात? ये सब जो बोल रही है ये सब रिकॉर्ड कर लूँ तो बात है ना, तो इसका सच झूठ सब सामने आ सकता है, मेरा केस क्लोज हो सकता है, मैं सारे में सबसे बाहर निकल सकता हूँ, इससे शादी करने से भी बढ़ सकता हूँ, और ये ब्लॉकबस्टर न्यूज़ सब चैनल पे धूम मचा देगी, मेरी खोई हुई इज्जत, करियर, फेम, सब कुछ वापस आ जाएगा। भले कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा, और कुछ तो बोल रही है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, तो जितना है वो मैं जानता हूँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, पर कोर्ट के लिए प्रूफ बन सकता है, अगर मैं इसे थोड़ा और रुकसाऊँ तो ये उस मास्टर माइंड का नाम भी बता सकती है जिसके कहने पर ये सब कर रही है। नहीं, अभी से कुछ नहीं बोल पाता, एक काम करता हूँ, रीता ऋषभ समी सबको यहाँ ले आता हूँ, लोग फोन पे रिकॉर्ड कर लेंगे जो कुछ भी कहेंगे, सही रहेगा। ये सब हो क्या रहा है, करण अपने रूम में भी नहीं है। एक मिनट, मैंने सारे वॉशरूम चेक कर लिए, करण सर तू किसी भी वॉशरूम में नहीं है। क्या जब देखो तुम वॉशरूम में क्यों देखती हो? अरे ऐसे मत किया करो, इसी दिन कोई बाथ सूट में दिख गया ना गड़बड़ हो जाएगी, वॉशरूम देखना भूल जाओगे तुम। हाँ पागल हो गया क्या कर रहा है यहाँ पर, हमें करण नहीं मिल रहा है और तू फालतू के जोक्स क्रैक कर रहा है। सीखो सीखो कुछ ऋषभ जी से सीखो। देखा देखा ऋषभ जी कैसे मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है,
अगर ये आपका भाई नहीं होता ना तो कब का इसकी दोनों जो बटन जैसी आंखें ना उसके हाथ में निकाल के दे देती मैं। अच्छा अच्छा टैमी और नहीं नहीं आई एम सॉरी ऋषभ जी, प्लीज सृष्टि की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये पागल है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इतनी अकल नहीं है कि कहां पर क्या बोलना है। अरे यहां पर हम करण को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कहां गायब हो गया और तू पता नहीं कुछ और ही बातें कर रहे हैं। ये लोग करण की बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण मोनिशा के साथ है भी कि नहीं है, और अगर उसके साथ है उससे सच उगलवा भी रहा है तो उस कमरे में तो नहीं है ना जहाँ पर कैमरा सेटअप किए थे, तो अगर वो सच बोल भी रही है तो वो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है। ओ, तो ये प्लान है इन लोगों का। मुझे अभी के अभी पृथ्वी को बताना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है करण का फोन क्यों नहीं लग रहा है। तू मुझे कॉल कर रहा था क्या? अरे तू था कहाँ पर यार? कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? मैं भी तुम लोगों को ढूंढ रहा था। तू हमें ढूंढ रहा, पूरी दुनिया तेरे को ढूंढ रही है। मनीषा कहाँ है? वो शीला की जवाब, मेरा मतलब है वो आप ही के साथ है ना? सच उगल दिया? अरे काम डाउन गाइस, वो नशे में बिल्कुल धुत है, एकदम टोल है। काफी कुछ बोल भी दिया उसने, काफी कुछ उगल दिया, इतना कुछ कि मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्या? लेकिन हमारा प्लान तो काम कर गया ना? अब टेंशन मत लो, इतनी जल्दी नशा नहीं उतरेगा उसका। हाँ तो एक काम करते हैं, चलते हैं। मैं तुम वो मुझे क्वेश्चनर की लिस्ट दे दे, मैं सब कुछ उससे पूछूंगा, तुम लोग रिकॉर्ड कर लेना। जल्दी मेरे साथ चल। अरे नहीं नहीं राखी आंटी, एक मिनट, धीरे आ सकती है आपके साथ। क्यों? नो नो, शी मींस के आपको अचानक से ऐसे क्यों चाहिए? तुझे पिता चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं ना, मुझे चाहिए। लेकिन हुआ हुआ क्या है? बस तू चल मेरे साथ। करीना गिर गई छत से। नहीं नहीं, कुर्सी से। यहाँ खड़े रहे तो वहाँ दर्द बढ़ जाएगा, इतने सवाल करना बंद कर दे पुत्र प्लीज। मैं पिता को ले जाऊँ अपने साथ? प्लीज चल, मैं भी आपके साथ। अरे मेरी, अरे तुम लोग भी चलो ना, राखी बहुत परेशान हो रही है, वो घबरा जाएगी। आ जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, आ जाओ। ये इसका क्या करें? पहले करीना वो को देख। चलो हेलो पृथ्वी, कहाँ हो तुम? मैं कॉरिडोर में पहुंच गई हूँ। अभी यहीं पर हूँ तुम्हारे सामने। मैंने प्रीता को ना ऋषभ, समीर और सृष्टि से बात करते हुए सुना। क्या? वो कह रही थी कि उनमें से किसी को भी नहीं पता कि मोनिशा और करण है कहाँ। और ये भी कह रही थी कि अगर दोनों साथ में भी है वो कमरे में नहीं है जिसमें उन लोगों ने कैमरा सेटअप लगाया है। अगर करण ने मोनिशा से सच में उगलवा लिया तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? रिकॉर्डिंग के कैमरा सेटअप? दैट मींस ये लोग मोनिशा से सच उगलवाना चाहते हैं, कन्फेशन चाहते हैं उससे। गॉड, हमने मोनिशा को हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमें मिली नहीं। कहीं वो सच में उसके लेडी टॉपलेयर के साथ तो नहीं? अगर है भी तो अभी तक वो लोग उस रूम में नहीं पहुंचे जहाँ पे उन लोगों ने कैमरा सेटअप किया है, सो वी स्टिल सेफ। ये एक अच्छी न्यूज है। तो इससे पहले कि वो लोग उस कमरे में पहुंचे जहां पर कैमरा सेटअप है, और इससे पहले कि वो लोग रिकॉर्डिंग करवा के उसे सच उगलवा ले, हमें किसी भी हाल में मोनिशा को ढूंढना ही होगा। मैं काम करूं, तुम वापस इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूं। लेट्स हरी अप एंड फाइंड हर। लेट्स, बहुत दर्द हो रहा है मॉम। ठीक हो जाएगा, देखा इसके पैर में दर्द। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूं आपको। वो ही ओके? बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ तो आपको आराम मिल रहा? नहीं, दर्द हो रहा। ओके फाइन, ये पिलो देना, इसके ऊपर आप रख लीजिए। ऑलराइट, एकदम स्ट्रेच्ड। 5 मिनट इस तरह होल्ड करेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, एकदम ठीक हो जाएगा। मनीषा का नशा उतारने से पहले किसी भी तरह उसके मुंह से सच उगलवाना है। सृष्टि इधर आप, जरा करीना मैम का पैर इस तरह से पकड़ कर रख 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हिलाना मत। ओके, वो मैं हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ, सिकाई करनी पड़ेगी, पकड़। देख क्या रही हो, पैर पकड़ो। हाँ टाइट ही पकड़ना है ना, पकड़ लूंगी। संभाल के श्रुति, I'll just come. दीदी अब कुछ बेहतर लग रहा है? दर्द कुछ कम हुआ? हाँ दर्द कम हुआ। Thank God. ये सर बोलो, आंखें देख रही, क्या प्लान है? अभी मैं हॉट वाटर बैग नहीं लेने जा रही, सबसे पहले मनीषा के पास चलते हैं और अपना प्लान स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं बैग लेके करीना जी के पास चल जाऊंगी। यू गाइस कैन कैरी ऑन, ओके? यस।
दिस इज अ गुड प्लान। अब एक गुड को बेटर बनाते हैं इसको। अरे अब इसको क्या बेटर बनाएगा यार। ये गिल्ली डंडा प्लेयर पूरी गैंग को अपने साथ ले जा रहे मनीषा के पास। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इन लोगों का पीछा करता हूं। नहीं, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो 100 सवाल करेंगे कि हमारे पीछे पीछे क्यों आए, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। गड़बड़ हो जाएगी। मैनू की फर्क पड़ता है, झगड़ा कर लूंगा वो भी जानबूझकर, सबका ध्यान बट जाएगा। नहीं, प्रीता जी, मेरी प्रीता जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? अरे जो सोचती है सोचे, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों को रोकना। कि लूथरा उसमें सब भूत है क्या? मतलब ये जानकी बुढ़िया अपनी एक कार खुद ड्राइव करके आई है? अरे ऐसे घूर के क्या देख रहा है बेटा, इसको मैं यहाँ छोड़ के गई थी, ये लेने गई थी। रुक रुक, तू कहाँ भागा जा रहा है? मेरा एक काम कर दादी जी, बाद में कर लूंगा। कमाल करता है, वैसे तो कहता रहता था दादी जी मैं आपके बेटों की तरह हूँ, मुझे कभी भी कोई काम बताओ, और आज जिंदगी में पहली बार तुझे एक काम बता रही हूँ तो तू मना कर रहा है। दादी जी मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे भी बहुत जल्दी चाहिए ये जो है ना दवाई, ये दवाई जाके जल्दी से ले आ। मुझे पता है आम जो दुकानें वो बंद हो गई होगी, लेकिन 24 घंटे वाली खुली रहती है ना, वहां से जाके ले आ। दादी जी मैंने आपसे कहा ना मुझे। क्या जल्दी है तुझे? अरे तेरे से ज्यादा जल्दी तो इसको है, इसकी हालत देख ना, इसको अभी मुझे खाना खिलाना, और खाना खिलाने से पहले दवाई खिलाना, समझा? जा दवाई लेके आ। दादी जी मैं बहुत जल्दी में हूं, मैं प्लीज बाद में कर लूं। अरे जानकी की आंखों में आंखें डाल के देख और फिर बता तू उसके लिए दवाई लेने जाएगा कि नहीं। लगता है ये बुढ़िया छोड़ेगी नहीं आज। देख ना जी। अब बता लाएगा कि नहीं लाएगा, समझ? ये पकड़ पर्चा और जाके फटाफट दवाई ले। दादी जी मैं गाड़ी नहीं आया, कैसे जाऊंगी ये दवाइयां लाने के लिए? टैक्सी में चला जा, टैक्सी भी बिल्कुल गाड़ी की तरह ही होती है, ये तो बुलवा दूं। नहीं नहीं दादी जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज, मैं ले आता। जा जल्दी से ले क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या लाना है। हेलो जानकी बुढ़िया, अंताक्षरी खेलने आई थी, पर तेरा सुर तो मैंने कब का दबा दिया था। बिना सुर के गाना गाने में कितना मजा आया होगा नहीं तुझे? उसी दिन जान से मार डालना चाहिए था तुझे। एक काम करता हूँ, दवा नहीं जहर लेके आता हूँ तेरे लिए, जो काम तब नहीं किया था ना अब कर देता हूँ। देख लिया जी, समझ में आ गया दादी। अब जा, जी, जा समझ... के ले आ। ऐसे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ए पृथ्वी, पृथ्वी आज भी कोई गड़बड़ करने वाला है। पर की? क्या हुआ? तुमने तो कहा था मुनीषा यही है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मैं अभी अभी से यही छोड़ कर गया, अभी नशे की हालत में धुत्ती यहीं गई होगी यार, कहीं गिरी पर। हो सकता है वॉशरूम गई हो। चेक कीजिए। है क्या अंदर? नहीं, बाथरूम में कोई भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कहाँ है? आई डोंट नो यार, वो तो नशे की हालत में धुत्ती यहीं पड़ी थी। मैं अभी तो छोड़ के गया उस कुत्ते, उसको यहाँ पर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था ना, बाहर तो बाहर घूम रहा था। बिल्कुल सही कह रहे ऋषभ, क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर आने की मनीषा को अकेले छोड़कर? अरे वो नशे में थी, अब गायब हो गई है, कहाँ ढूंढे उसे, तुम्हें नहीं जरूरत थी बाहर। तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं बाहर इसलिए गया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, मेरे पास सवाल जवाब नहीं थे। चलो एक बारी को मानते हैं कि उसे मैं पूछ भी लेता, वो सब कुछ बता भी देती, लेकिन यहाँ पे कैमरा नहीं थे रिकॉर्ड करने के लिए, राइट? और तुम
तुम तो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये सारा ब्लेम ना तुम मुझ पर मत लगाओ, क्योंकि मैं सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग कर रहा था। मैं प्लान के अकॉर्डिंग मनीषा को पहले ऋषभ के रूम में लेकर आया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पृथ्वी और शैलिन खड़े थे। क्या करता मैं पृथ्वी और शैलिन के सामने से सचों के बाता, इसे सवाल जवाब करता। तुम लोग बोलो ना, सब कुछ मैंने प्लान के अकॉर्डिंग किया, तुम लोगों ने नहीं किया। गलती तुम लोगों की है और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। ओके ओके फाइन। व्हाट फाइन यार, मैं कितनी मुश्किल से उसको खिला पिला कर यहाँ पर लेकर आया था, कितनी मुश्किल से उसको ऐसे ऐसे हिल रही थी उसको यहाँ लेकर आया, और तुम लोगों ने सारा प्लान चौपट कर। ओके फाइन रिलैक्स। एक मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई इल्जाम नहीं लग रहा है। हम बस ये कह रहे थे कि उसे अकेले छोड़ के बाहर नहीं आना चाहिए था, बट अब जब तुमने बता दिया है कि तुम उसे लेकर ऋषभ जी के कमरे में आ रहे थे और तुमने पृथ्वी और शैलिन को वहां देखा, तो ऑब्वियसली तुम उसे अंदर लेकर तो नहीं आ सकते थे ना, और यहाँ पर कैमराज नहीं है, तो फिर तो तुम्हारा फायदा क्या होता है उससे बातें निकलवाने, राइट? वी अंडरस्टैंड, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। या नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू वर नेवर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ओके सॉरी, वो थोड़ा रूडली रिएक्ट कर दिया। जब सॉरी बोलता है ना तो बड़ा क्यूट लगता है। एक्चुअली हमें भी मालूम नहीं था कि तू मनीषा को लेकर वहां पर आया था यार। मैं मानता हूँ कि प्रेशर में गलती कभी कभी हो जाती है, इट्स फाइन। ओके, और मैं भी थोड़ा सा तेरे को रूड बोल दिया, आई एम सॉरी। अब मैं काम करता हूँ, मैं कॉरिडोर में चेक करके आता हूँ, क्या पता वो वहीं पर हो। हाँ समीर, तुम फटाफट बाहर जाकर देखो, इतने नशे में थी, ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। ठीक है, मैं आई विल जस्ट बी बैक। ये लड़की कहाँ चली गई यार? नहीं है वो वहां पर भी, कॉरिडोर में भी नहीं है। नहीं यार, अभी तो यहीं थी यार, इसका मतलब भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे वो इतने नशे में कहाँ भाग गई हो? अरे लेकिन नशे की हालत में भी वो बात, क्या नाम है उसका? हाँ बोलो। आंखें खोलो, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी क्या? वो बद व्हाट? अलमारी खुली है, ऋत्विक को मैंने इसी अलमारी में बंद किया हुआ था, कहीं इन लोगों ने देख तो नहीं लिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्री श पूरा वर्ड बोलना। अरे पूरा वर्ड नहीं बोला उसने यार, वो जैसे बोल रही थी ऐसे बोल रही थी वो। ऐसे कुछ बोल रही थी वो। तुम लोग सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि मोनिशा और ऋतिक दोनों भाग गए, पर मोनिशा ने ऋतिक को अलमारी से निकाला या ऋतिक खुद बाहर निकल के मोनिशा को ले गया? अरे यार, जो जिसको भी ले गया मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मरवाएंगे ये दोनों मुझे। चलो फिर, हम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वो मनीषा बहुत नशे की हालत में है, ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, उसे ढूंढते हैं और उससे सच बुलवाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नशा उतर गया तो हमारे हाथ से मौका भी निकल जाएगा, आज अगर नहीं कर पाए तो फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स गो प्लीज। तो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता क्या मनीषा? हाँ सरा सा दूर क्या गया, तुम इतनी दूर चली गई? इतना प्यार, इतना विश्वास, तुमने बदले में क्या किया? इतना बड़ा धोखा मनीषा, ये सब देख के नीयत बदल गई ना तुम्हारी? रिच, ऐसे से इतना प्यार करती हो मनीषा तुम? अरे क्या सोचा था तुम्हें और तुम क्या निकली हो मनीषा? इतना प्यार पैसे से? अगर पैसे से इतना प्यार था तो किसी पैसे वाले लड़के को पकड़ लेती ना मनीषा पहले ही। मेरे पास क्यों आई? मेरे दिल में इतना प्यार क्यों जगाया? मुझे धोखा क्यों दिया मनीषा?
मेरा नाम याद। अभी तक मुझे करण लूथरा बोलना नहीं शुरू किया तुमने। संभालो अपने आप को, अपना हाल देखो मनीषा। मनीषा ये क्या कर रही हो? मनीषा हाल देखो अपने, मनीषा होश में आओ, होश में आओ मनीषा। क्या है? बहुत सुनो क्या बोल रहे हो मनीषा, कर क्या रही हो तुम?